वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन में। चलिए तो ये खबर निकली है बिहार दरोगा से, एक ब्रेकिंग न्यूज है। कल बिहार दरोगा का एग्जाम संपन्न हो गया है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया है किसी भी पेपर लीक मामले को लेकर। जी हाँ, खबर क्या है पहले ये जानते हैं, उसके बारे में आपको पुष्टि करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा सारी जानकारी के लिए, और आप लोग भी अपने कमेंट जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की खबर हिंदुस्तान में ये खबर आई है कि पर्चा लीक की अफवाह पर हंगामा हुआ है। दरोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई, ये सभी को जानते हैं। सुबह से ही प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाहें उड़ती रहीं। इस दौरान प्रश्न पत्र वायरल होने की भी चर्चा की गई। हालांकि यहां पर बिहार पुलिस के अवर सेवा आयोग ने इसे एकमात्र अफवाह करार दे दिया है। जी हाँ, ये पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से एकमात्र अफवाह बताई जा रही है। आयोग के मुताबिक यहां पे बगैर किसी शिकायत के प्रारंभिक परीक्षा की पूरी हुई है, कहीं से गड़बड़ी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आरा और नवादा के दो सेंटरों पर यहाँ प्रवेश प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाहें चलते परीक्षा बाधित हुई थी। तो यहाँ पर एक खबर दी है किसने, बिहार पुलिस अवर सेवा ने, जी हाँ आयोग ने। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि चलिए अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, मेरा बस एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है तो वो क्वेश्चन पेपर जो थे वो बाहर कैसे आए। ठीक, दूसरा सवाल ये है सर कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है तो आंसर शीट पहले से तैयार कैसे पाए गए, जिसमें कि 1 से लेकर 100 तक के वो आंसर आपके लिखे गए हैं और वो बिल्कुल सही उत्तर लिखे गए हैं वहाँ पे। आप मैच करके देखिएगा उस क्वेश्चन पेपर पहली पाली का। इनफैक्ट चलो मैं यहाँ पे एक बात और साबित करता हूँ कि अगर किसी के पास सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर नहीं पहुँचा है, अगर किसी के पास सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर नहीं पहुँचा है तो लोगों के पास इतने सारे क्वेश्चन आए कहाँ से? क्या एक अभ्यर्थी को इतने सारे क्वेश्चन याद रह सकते हैं कि वो 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन बता दे? चलिए अगर ये आप बोलते हैं कि लोग बाहर निकल के उसका फ़ोटो लेकर भेज दिए हैं जो हंगामे किए हैं लोगों ने, ठीक है, मानते हैं आपकी बातों को, हंगामा हुआ होगा, उन लोगों ने हंगामा किया भी होगा, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आपकी प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही थी उस समय जब वो हंगामा कर रहे थे? उस समय उनको वहीं रोकना था या तो एग्ज़ाम को वहीं पोस्टपोन कर देना था। कुछ जगह पे सेंटर पे ये मामला आया है कि पेपर का जो बंडल था वो ही फटा हुआ था, पहले से पेपर निकले हुए थे उसमें से। अब ये एक विद्यार्थी कहता तो माना जाता, वो पूरा सेंटर जब कह रहा है तो आप पूरे सेंटर को झूठा बता रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग सिर्फ जवाब दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना सही और कितना गलत हुआ ये। ठीक है, यहाँ पर आयोग के OSD मिस्टर अशोक कुमार जी ने बताया है कि आरा के श्री जैन बाला विश्राम बालिका +2 स्कूल में पहली पारी में परीक्षा शुरू होने वाली थी, तभी कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। इनको क्या पड़ी थी सर हंगामा करने की? ये तो 2 महीने से तैयारी ही कर रहे हैं लोग, 2 महीने से ही अभी तैयारी हो रही थी और ये अपनी तैयारी पूरी करके भी गए थे। लगातार दिन रात सोए नहीं हैं लड़के और ये तैयारी करके गए हैं एग्ज़ाम देने, उन अभ्यर्थियों का क्या हुआ होगा? यहाँ पे उनको आरोप था कि पर्चा लीक हो गया है, तब तक कॉपी बांटी जा चुकी थी, कुछ ने कॉपी फाड़ दी, परीक्षा का बहिष्कार भी किया। तो चलिए अगर आप बोलते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ से बाहर निकाले गए, अगर वहाँ पे पर्चा फाड़ा होगा, लोगों ने निकाला भी होगा, तो आखिर मोबाइल जो आपने बैन किया था कि आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जाना है, आप एग्ज़ाम सेंटर से भी फ़ोटो बाहर आए हुए हैं, उन फ़ोटोज़ का क्या कहेंगे? कैसे लोगों ने उसका यहाँ पे भेजा है, फ़ोटो कैसे भेज दिया है? उनके पास मोबाइल चेक नहीं किया गया। बहुत सारे सेंटर पे तो इतना कंप्लेंट था कि लोग बता रहे थे कि कोई जैमर भी नहीं लगा था वहाँ पे, तो बहुत सारे सेंटर्स पे, तो बहुत सारे सेंटर ऐसे भी थे कि वहाँ से आराम से कम्युनिकेशन किया जा रहा था मोबाइल के ज़रिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोई बताया नहीं, क्योंकि आपके पास बताने जाएगा तो आप लोग सीधे लाठी चला देते हैं छात्रों पे, और लाठी चलाने के बावजूद यहाँ पे सरकार के ऊपर से कार्रवाई भी आपके ऊपर करवाई जा रही है। तो ये सर एक गलत आप लोग की धारणा हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 117 अभ्यर्थी छोटी मोटी संख्या नहीं होती है,
यहाँ पे बताया है उनके बारे में, देख लीजिएगा। 117 अभ्यर्थी वापस परीक्षा देने ही जा रहे थे। ओएसडी के मुताबिक दूसरी घटना नवादा से आ गई। वहां पर सुरक्षा घेरे में प्रश्न पत्र को खोलने का काम शुरू किया गया था कि अभ्यर्थी ने यह कहते हुए हंगामा कर दिया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। जी हाँ, वो हंगामा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो आपका बंडल लाया हुआ था वो फटा हुआ था बंडल, और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया, उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। जाहिर सी बात है, जब आप बंडल ही पूरा फटा लेकर आएंगे, जबकि वहाँ पे लिखा रहता है कि आपके सामने बंडल फाड़ा जाएगा, तो आप पहले से बंडल क्यों फटे हुए थे? तो ये सेंटर पे हंगामा होने का कारण बना था। प्रशासन के ने गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी। अब यहाँ से इनसे जब कुछ देखा नहीं गया तो ये क्या, इन्होंने क्या करना शुरू किया, गिरफ्तारी करना शुरू की ताकि लोग डरे, और कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। आयोग की टीम जो है वो जांच में लगी हुई है अभी भी, ठीक है। तो कुछ मामला यहाँ पे सामने निकल कर ये आया कि जो कुछ विपक्षी दल के पार्टी भी थे, जन अधिकार छात्र परिषद ने वहाँ पे विश्वविद्यालय गेट पर पुतला फूका। खैर, ये सब मामला तो मुझे भी एक अच्छा नहीं लगता है। शांतिपूर्ण ही होना चाहिए हर चीज़, ठीक है। अगर आप आंदोलन भी कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण कीजिए, बैठिए, आंदोलन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपकी, कि हंगामा करना, पुतला फूंकना, या फिर किसी को मारपीट करना या जलाना कई चीज़ों को, ये बेकार की चीज़ें हैं। पेपर लीक की अफवाहों पर अभ्यर्थी का हंगामा। यहाँ पे नवादा से ये खबर निकल कर आ रही है कि शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल पहली पाली में आयोजित दारोगा बहाली परीक्षा पेपर लीक का अफवाह पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, परीक्षा का बहिष्कार किया। हंगामे की सूचना डीएम कौशल कुमार तक पहुंची। डीपीएस, परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में परीक्षा नहीं हो सकी। पुलिस ने हंगामा कर रहे 3 परीक्षार्थियों की हिरासत में लिया, और हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को यहां पर अफवाह उड़ा दी गई कि परीक्षा हॉल में अंदर कुछ अभ्यर्थी और केंद्र पर तैनात कर्मी पेपर का मोबाइल से फोटो लेकर उसे आउट कर दिया। तो आखिर ये मोबाइल लेकर गए कैसे अंदर सर? ये जब आप लोग यहाँ पे सारी चेकिंग चला रहे हैं एक एक स्टूडेंट का, और ये स्टूडेंट तो ऐसी नहीं थी कि फीमेल थी, ये सारे मेल थे, है ना, मेल कैंडिडेट थे। अब जब यहाँ पे आप लोगों ने सारी चेकिंग व्यवस्था रखी थी अपनी, तो ये मोबाइल अंदर ले कैसे गए? यहीं पे आपकी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये इनके ऊपर अब थोप रहे कि अंदर से मोबाइल से फोटो खींचकर आउट किए। इतना सुनते ही अभ्यर्थी हंगामा करने लगे। केंद्राधीक्षक का कहना था कि अभ्यर्थियों की ओर से झूठा आरोप लगाया जा रहा था कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाहर लोगों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हिरासत में ली जाने वाली बातें जो हैं यहाँ पे झूठी बता रहे हैं केंद्र के सेंटर के लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक खबर है, जी हाँ, जो कि हिंदुस्तान खबर में ही बताया गया कि इसके बाद विद्यार्थी शांतिपूर्ण परीक्षा देने ही जा रहे थे कि अचानक बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचकर कुछ को हिरासत में लेने की कोशिश करने लगे। 10 अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं अभ्यर्थियों को आरोप लगाया गया कि उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया गया और भगा दिया गया। इन 10 अभ्यर्थियों को परीक्षा नहीं देने दिया गया है, उनको भगा दिया गया है। तो ये क्या है सर, ये जो आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे 1 से 100 तक, ये कैसे कोई लिख सकता है? विद इन एग्जाम कोई लिख के भी किसी को दे सकता है क्या, या फिर पहुंचा सकता है कि अंदर एग्जाम हॉल में? तो आखिर कैसे, मोबाइल होगा तभी तो ये चीज़ें, अगर मान लीजिए पेपर बाद में ही आउट हुआ है ना, एग्जाम होने के दौरान ही आउट हुआ अगर, तो ये फोटो खींच के इसका आंसर तुरंत लिख के इसको भेज भी दिया गया, तो गलती किसकी है? मोबाइल ले जाने का जो साहस दिखाया है छात्रों ने, तो वहाँ पे चेकिंग क्यों नहीं की गई हर सेंटर पे? क्योंकि व्यवस्था आपकी ठीक नहीं थी, और ये पुलिस व्यवस्था जो है अब अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है, ये इनको मार पीट रही है, ये इनके जबकि ये इनको झूठा साबित कर रही है और अभ्यर्थी इनको झूठा साबित कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए, एग्ज़ाम को फिर से लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आयोग ने तो सीधा कह दिया कि यह अफवाह है, कुछ अभ्यर्थियों की तरफ अफवाह उड़ाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे इस मामले में केंद्र तैनात हुए और मजिस्ट्रेट और केंद्राधीक्षक के संयुक्त बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज। बयान किसका लिया जाना चाहिए, अभ्यर्थियों का, तो ये लिया जा रहा है यहाँ पे जो केंद्र के सेंटर के अधीक्षक हैं उनके लिए जा रहे हैं, ठीक है। 10 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्हें समाचार भेजने जाने वाले मुसफ्फिल थाने में रखा गया है। हालांकि जिला प्रशासन के प्रश्न पत्र लीक होने पर खबर ये अफवाह बताया गया है कि पहली पाली की शुरुआत परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद ही उत्तर मिलना शुरू हो गया था। धरहरा
स्थित जैन बाला विश्राम प्लस टू स्कूल प्रश्न विलंब से मिलने और प्रश्न पत्र पहले से ही सील ब्रेक होने के कारण परीक्षार्थी ने पेपर लीक होने की मामला को यहाँ पे शंका करना का विरोध किया है और परीक्षा का बहिष्कार किया है। परीक्षार्थी ने बताया कि किसी भी सभी क्लास में सभी क्लास के रूम में बिना सील प्रश्न पत्र लाए गए हैं और राज्य में करीब 495 सेंटर पर एग्जाम हुए हैं जिनमें कि कुछ सेंटरों पर ये हंगामा हुआ है और ये सिर्फ एक नहीं करीब 586,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर भविष्य का बात है। तो कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है अब आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे आरोप कर रही है अभ्यर्थियों को और अभ्यर्थी यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं प्रशासन की यहाँ पे गलती है। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे देखिए, पहली गलती तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की ये है कि कुछ लोग मोबाइल लेके अंदर गए, ठीक। दूसरा इनकी गलती है प्रशासन की, जब आपके पास व्यवस्था थी चेकिंग की तो आपने चेकिंग क्यों नहीं किया इनको, ठीक है। हर जगह आपको चेक इन जब करना था, मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो ये सबसे बड़ी गलती हो गई। चलिए और अब यहाँ पे ये निकल कर ये आ रहा है कि पेपर जो है ये बाहर कैसे गया था, आखिर इसके आंसर 1 से 100 तक एग्ज़ाम में कैसे पहुँच गए, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे सामने और इस न्यूज़ के माध्यम से। जी हाँ, अभी भी विरोध चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जितने भी जगह पे सेंटर पे प्रथम पाली का कमरा नंबर 8 में जब प्रश्न पत्र लिफाफा आया तो लिफाफा फटा हुआ मिला। इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आयोग भी मिला है, कहीं ना कहीं यहाँ पे विभाग जो एग्ज़ाम ले रहा है वो भी मिला है और कहीं ना कहीं पे कुछ गलती हम छात्रों की भी है यहाँ पे। तो इन सब का ये जो निचोड़ है ये आखिर क्या मामला हो सकता है ये आगे हम देखेंगे, लेकिन आपके क्या सुझाव हैं क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।